नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं GAV ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक हैं श्री प्रदीप कौशिक जी। आइए जुड़ते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, आपके कॉलेज की छात्रा ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में BSc प्रथम वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, क्या कहना चाहेंगे? संजय भाई, बहुत खुशी का मौका है। शायद टीचर्स माँ बाप की संतान होके आज पहली बार, मतलब मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तो नमी आ जाती है। हाँ, स्कूल और कॉलेज जब इस तरीके के रिजल्ट दें, मज़ा आ जाता है। ये लड़की BSc फर्स्ट ईयर मेडिकल, पहली बात तो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते ही कम है, उसमें भी ना सिर्फ झज्जर में, ना सिर्फ रोहतक में, MD यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें प्रथम स्थान लाई है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी गर्व की बात पिछले 7 साल में हुई नहीं। बहुत खुशी जी। कौशिक साहब, मैं बात करूं, लगातार आप छात्रों की बेहतरी के लिए एक नया कंसेप्ट लेकर के आए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पेरेंटिंग, और साथ साथ विद्यार्थियों की शिक्षा, रोजगार व समस्याओं से जुड़ी चर्चाओं के लिए क्या आगे भविष्य की योजनाएं हैं, जिस प्रकार प्रचारित किया जा रहा है 17 फरवरी का दिन, किस तरह का कार्यक्रम है, जानना चाहेंगे? 17 फरवरी का दिन बहुत विशेष है आपके माध्यम से झज्जर जिले के, गुड़गांव के और रेवाड़ी के, बल्कि समस्त हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इनवाइट करना चाहता हूं कि 17 फरवरी को वो एक बार स्कॉलरशिप टेस्ट दें। उस स्कॉलरशिप टेस्ट के अलावा, जैसा कि आप जानते हो, बहुत ही रिनाउंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट पेरेंटिंग काउंसलर डॉक्टर देवेंद्र बिलारा जी उस दिन पूरे दिन साथ होंगे। मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई करते करते सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंटिंग अच्छे से हो जी। 17 तारीख एक खास दिन है, स्कॉलरशिप 1 करोड़ रुपए तक की बांट रहे हैं। बच्चों की जो शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पे तकरीबन 1 करोड़ रुपया खर्च कर रही है ये भी शिक्षण संस्थाएं। और सबसे बड़ी बात, जो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा अपनी जो उनकी काउंसलिंग की फीस तकरीबन 1 लाख रुपए पर बच्चे की, वो घटा के 5,000 रुपए बच्चे के हिसाब से करेंगे। मेरे ख्याल में सबसे सुनहरी मौका है इस एरिया में इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का 17 तारीख जी। और कौशिक साहब, मैं बात करूं, जिस प्रकार से आप लगातार बेहतर परिणाम दे रहे हैं, चाहे मैं जानवी की बात करूं, एकता की बात करूं या अन्य विद्यार्थियों की, हमने भी कई बार आपके विद्यालय का दौरा किया है, विद्यार्थियों से रूबरू भी हुए हैं, क्या कंसेप्ट लेकर के है, क्या विचारधारा, जिस प्रकार गुड़गांव में भी आपने शैक्षणिक संस्थान शुरू किया है, पाटोदा में भी है, क्या योजना है, क्या मैसेज है, क्या संदेश है अभिभावकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए? देखो संजय भाई, शिक्षा का उजियारा हर घर तक पहुंचे इस थीम पे पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। तमन्ना है कि आने वाले 10 सालों में GAV शिक्षण संस्थाओं के और 10 बड़े स्कूल हरियाणा के हर शहर में हों। बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत बड़ा प्रयास है, बट इसमें मनी प्रायोरिटी नहीं है। आपके माध्यम से मैंने पहले भी कई बार समाज को ये बताने की कोशिश करी है कि फीस पहली प्रायोरिटी पर नहीं है GAV के लिए। पहली प्रायोरिटी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता के साथ शिक्षा देना है, वो चाहे फिर स्पोर्ट्स के उसमें हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के केस में हो, चाहे आने वाले जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो लगातार मेरे से पूछते हैं संजय भाई कि ये बच्चे कहाँ से लाए हो। वो भाई कहीं से नहीं लाए, लगातार इसी धरती पे यही सारे काम कर रहे हैं। और अब जब GAV शिक्षण संस्थाएँ अपने चरम से, अपने कर्म से लोगों को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कर रही हैं, तो आने वाला कल नो डाउट GAV के तहत पढ़े हुए बच्चों के सुनहरी कल का है जी। और निश्चित तौर से जिस प्रकार की भावना के साथ, जिस प्रकार की मन की बातें करने से हमें पता चला है प्रदीप कौशिक जी, जिस प्रकार इस ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं अपितु गुड़गांव जैसे मल्टी मिलेनियम शहर में भी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर के सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को निखार कर उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच प्रदान करना, चाहे मैं शिक्षा की बात करूं, खेल की बात करूं या अदर एक्टिविटीज की बात करूं। जिस प्रकार से दोबारा से मैं बताना चाहूंगा, वंडर गर्ल जानवी है और आज जो एकता ने जो प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर से GAV ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए एक बेहतर क्षण है। और सबसे बड़ा विषय जो लेकर के आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, जो लगातार यहां GAV पब्लिक स्कूल ऑफ पटोदा में बैठेंगे, विद्यार्थियों के माँ बापों से रूबरू होंगे, उनकी संख्याओं का समाधान करेंगे, एक नई पहल है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए।